नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। कहते हैं जब वक्त करवट लेता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। ऐसा ही कुछ इंदौर और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के साथ हो रहा है। एक मुसीबत हटती नहीं है कि दूसरी सिर पर आ पड़ती है। एक समय था कि रामपुर में आजम खान के नाम की तूती बोलती थी और जिनका काफिला जब सड़क पर गुजरता था तो हूटर बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां रास्तों को साफ करा देती थी। यहां तक कि भैंस चोरी होने पर पुलिस प्रशासन तक हिल गया था और भैंस को ढूंढ निकाला था, मगर अब वही पुलिस भैंस चोरी के आरोप में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, ना तो हाथ में सत्ता है और ना ही वो रुतबा। अगर कुछ है तो वो है मुसीबतों का पहाड़, और मुसीबतें भी कुछ ऐसी कि एक बार को तो इतिहास अपने आप में दर्ज करने के लिए 100 बार जरूर सोचेगा कि कल तक जो आजम खान देश के सबसे बड़े सूबे में अपना रौब दिखाते थे, अब उनके साथ ये क्या हो रहा है। इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आजम खान की तलाश में कोर्ट के आदेश पर रामपुर पुलिस शहर की सड़कों पर उनके नाम की मुनादी करा रही है और लोगों को बता रही है कि आजम खान फरार हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए। थाना गंज जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 में मेरी जानिब अदालत स्पेशल जज MLA कोर्ट रामपुर की तरफ से मोहम्मद आजम खान वल्द जला मुमताज खान वो मोहतरमा तंजीन फातिमा लौजा आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान वल्द मोहम्मद आजम खान के खिलाफ धारा 82 के तहत इनके खिलाफ तय किया गया है। 24/1/2020 को अदालत में हाजिर हो। तो देखा आपने सत्ता में कितनी ताकत होती है कि जब आजम खान सत्ता में थे तो यही पुलिस प्रशासन एक फोन में ही हिल उठता था, लेकिन जब समय का पहिया घुमा तो सब कुछ बदल गया है। अब सूबे में योगी की सरकार है तो अधिकारी की बात तो छोड़िए, एक सिपाही आजम खान को अकड़ दिखाने लग जाता है और आजम खान भीगी बिल्ली बनकर चुप बैठ जाते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आजम खान के मन में क्या क्या आता होगा। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और ऐसा ही आजम खान के साथ हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आजम खान की तलाश में कोर्ट के आदेश पर रामपुर पुलिस शहर की सड़कों पर उनके नाम की मुनादी क्यों करा रही है और क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान मौजूदा समय में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर की विधायक है। बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार से विधायक थे, लेकिन दस्तावेजों में धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने विधायकी रद्द कर दी। पिछले कई दशकों से रामपुर की राजनीति में आजम खान का एक छत्र राज रहा है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से उनके ऊपर मुकदमों के दर्ज होने का जो सिलसिला जारी हुआ है उसके बाद से आजम खान घिरते ही गए, और आज नौबत यह आ गई चुकी है कि रामपुर की सड़कों पर आजम खान की तलाश में पुलिस मुनादी करा रही है। दरअसल रामपुर की ADJ की अदालत ने सपा सांसद आजम खान के खिलाफ 2 मामले में धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था और 1 मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। आजम खान के विरुद्ध चल रहे मामले में एक मुकदमा उनके पड़ोसी ने भी दर्ज कराया था, जिसमें लगातार गैर हाजिर रहने की वजह से कोर्ट ने 82 की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही एक मामला आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसने आजम खान के बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अब अदालत ने आजम खान का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आजम खान को 20 जनवरी को अदालत में पेश किए जाने का आदेश रामपुर पुलिस को दिया है, जिसके बाद अब रामपुर पुलिस आजम खान की तलाश में सड़कों पर मुनादी कराती फिर रही है। पुलिस ने आजम खान के घर के दरवाजे पर कोर्ट के नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। अदालत ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी वारंट जारी किए हैं। तो वहीं अब तक आजम खान के खिलाफ 85 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें जमीन कब्जा करने, बिजली चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी और 16,500 रुपए लूटने समेत आइसक्रीम पार्लर में तोड़फोड़ जैसे मामले शामिल हैं। शायद इन संगीन मुकदमों को सुनकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे आप देश के मुखिया ही क्यों ना हो, और जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो ऐसे संगीन आरोपों पर कार्रवाई भी शुरू होना मुमकिन है। जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर पुलिस शहर की सड़कों पर आजम की तलाश के लिए मुनादी कराती फिर रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।